न्याय पाने के लिए यदि आपको, हमको, हम सबको या किसी भी देश के किसी भी नागरिक को यदि धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है तो स्पष्ट है कि उस देश उस राष्ट्र की न्याय प्रणाली सघन चिकित्सा कक्ष अर्थात इंटेंसिव केयर यूनिट अर्थात क्रिटिकल केयर यूनिट अर्थात कार्डियक केयर यूनिट में मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल मात्र आप, हम और इस देश के हर नागरिक। आवश्यकता है इस देश, इस राष्ट्र को एक ऐसी न्याय प्रणाली की जिसमें हमको, आपको, हम सबको वह सब न करना पड़े जो आज हमें करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। गत दिनांक 27 अक्टूबर सन 2024 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे समाजसेवी रमेश पांडे ने कुसुम विहार स्थित उत्सव रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण समाज के दिवंगत शिक्षक राहुल मिश्रा को श्रद्धांजलि दी और 24 घंटे के अंदर राहुल मिश्रा की मौत, दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या पर निष्पक्ष जांच कर दोषी को गिरफ्तार करने की धनबाद प्रशासन से मांग की। स्मरण रहे, गत दिनांक 23 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार को राहुल कुमार मिश्रा का शव संदेहास्पद स्थिति में बरवड्डा थाना अंतर्गत कसिया टाण में पाया गया था। समाज सेवी रमेश पांडे ने सीधे तौर पर राहुल मिश्रा की मौत को हत्या करार देते हुए बरवड्डा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। समाज सेवी रमेश पांडे ने कहा, राहुल मिश्रा जिस स्कूल के शिक्षक थे उसी स्कूल के पास उनका शव पाया गया था, पर पुलिस ने अभी तक स्कूल के CCTV फुटेज को खंगालने का प्रयास नहीं किया। समाज सेवी रमेश पांडे ने कहा, इस मामले में पुलिस अगर 48 घंटे के अंदर जांच पूरी कर दोषी को गिरफ्तार नहीं करती है तो बृहद पैमाने पर आंदोलन करना हमारी व्यवस्था होगी। साथ ही उन्होंने इस घटना की CBI जांच की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में रमेश पांडे, गणेश पांडे, विवेक पांडे, कुंभनाथ सिंह, विक्रम पांडे, बॉबी पांडे समेत ब्राह्मण समाज के अन्य लोग व दिवंगत राहुल मिश्रा के परिजन उपस्थित थे। आइए बात करते हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा से और समाज सेवी रमेश पांडे से। यहाँ के चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, वो भयभूत होकर जब अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे या अपना जीवन यापन करेंगे, अपराध पर नियंत्रण हमारी अगली प्राथमिकता होती है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली में भी सवाल उठ रहा है, जहां पुलिस और पब्लिक पर फ्रेंडली बात करने के बाद किया जाता है, लेकिन उस कुछ देखने को नहीं मिलता था। राहुल मिश्रा का बाइक वहां मिलता है, टैग होता है, लैपटॉप रहता है उस बाइक में, और पुलिस को सूचना भी दी जाती है, लेकिन मंडल सचिव जो है उसके तरफ से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। और ये कहा दिया जाता है पोस्टमार्टम से पहले की हत्या नहीं आत्महत्या, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने पहले कहा था कि सरकार संरक्षित अपराधियों को, जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस को बिल्कुल सरकार में फाट जाएगी। पुलिस को या यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी। वो तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो देख कर क्या है, ये तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग ऊपर देख क्या है, तो हम लोग ऊपर पहुँचाना है तो सुनेंगे। ये जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं हटेगी तब तक यहाँ अपराध नियंत्रण नहीं होगा। और इस बार जनता ने जबरदस्त दिया है, छोटे छोटे
अपने विधायक जी कहा था कि आपने कहा था कि अपराधी रहेंगे या तो मैं रहूंगा। बिल्कुल अभी कह रहा हूँ कि हमारी अपराध पर नियंत्रण, हमारी सरकार बनेगी, अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, शिक्षक पर भी अब इस तरह की हत्याएं हो रही है, पहले भाई व्यापारी थे। अपराधी थोड़ी ना देखता कि आप शिक्षक हैं छात्र हैं, अपराधी प्रवृत्ति का जो होता है वो तो अपराध को अपराध करना है। जो है आप लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, लगातार परिवार को उनसे कहा जा रहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या, लेकिन पुलिस मानना को तैयार नहीं है। आज आपने अपने समाज के लोगों को बुलाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे समझ मीडिया के सामने पहले ये बता दीजिए, राहुल मिश्रा मेरे बड़े भाई, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज 4 दिन बीत चुका है और प्रशासन मौन है। अभी तक प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिला, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लगातार 2 घंटा तक उसको मारा गया है। उसके बावजूद जब पुलिस केस करने से पहले बता देती है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, अगर हमको देखने से लगता है कि ये मर्डर है, प्रशासन का शक ये पहले सुसाइड है। और जो भरत मंडल को फ़ोन किया गया था शाम को 6 बजे, अगर वो उस समय पहुंच जाते घटनास्थल पर तो आज हमारा भाई जिंदा होता। सबसे पहले सवाल उठता है कि भरत मंडल जो मुंशी है वो थाना में या SSP साहब को कितना पैसा पहुँचाते हैं, जो अभी तक ड्यूटी में है, अभी तक उनको लाइन नहीं किया गया, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जबकि जिस स्कूल JNX इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ाते थे उसका प्रिंसिपल अभी तक CCTV फुटेज नहीं दिया है, लेना चाहिए, जबकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी वो CCTV फुटेज नहीं ले पाए। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि आचार संहिता में हम उग्र आंदोलन करें। हम नहीं चाहते हैं प्रशासन के कान में बाधा बने, लेकिन हाँ, हमारे भाई का हत्यारा नहीं पकड़ा गया 48 घंटे के अंदर, तो बरवट्टा थाना समेत SSP कार्यालय को हम जाम करेंगे। ये हम कहते हैं, पूरा आम जनता का यही मांग है कि प्रशासन इतना कमजोर कैसे है, प्रशासन को तो चूड़ी पहन के घूमना चाहिए। जब आप 4 दिन 5 दिन हो गया एक स्कूल से CCTV फुटेज नहीं ले सकते हैं, जबकि भरत मंडल अभी तक उस थाना में पदभार हैं, भरत मंडल को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भरत मंडल मोटा पैकेट SSP साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, प्रभारी साहब को पहुंचाते हैं, इसलिए भरत मंडल पे कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर किसी की लापरवाही से किसी का जान जाता है और वो थाना में पदस्थापित है, क्यों, किसका हाथ है उस भरत मंडल के ऊपर? हम यही कहना चाहेंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर मेरे भाई के दोस्तों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, थाना को जाम करेंगे। देखिए, हत्या का वजह अगर आप प्रेस के माध्यम से भी पता करना चाहेंगे तो राहुल मिश्रा जैसा वे धनबाद में खोजने में 100 में 1 मिलेगा, ना कोई नशा ना कोई लंपन, जबकि वो एक शिक्षक थे, वो कंप्यूटर टीचर थे, वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे। एक शिक्षक के साथ झारखंड में, धनबाद में, कोयलांचल में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के बीच में क्या भय का माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये मांग हमको नहीं लगता कि ये जो यहाँ के SSP साहब हैं उनसे पूरा होने वाला है। इसके लिए CBI जांच होना जरूरी है, क्योंकि SSP साहब यहाँ के निकम्मे हैं, उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं, उनके अंदर दिल है ही नहीं। वो कल एक खबर चल रहा था, SP है ये, इनके अंदर हार्ट नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं है। जो एक माँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही है आज गेट पे कि मेरा बेटा आएगा। कौन लोग हो सकते हैं? पूरा पूरी मामला जो हम लोग डाउट जाता है कि स्कूल से जुड़ा हुआ ये मामला है, स्कूल के प्रिंसिपल आखिर क्यों CCTV फुटेज नहीं दे रहे हैं, आखिर प्रशासन क्यों लेने में असमर्थ है, मतलब सक्षम नहीं है। अभी 4 दिन होता है या कुछ भी बात होता तो CCTV फुटेज में देखा जाता है, जबकि वहाँ मर्डर हुआ है स्कूल से 2 कदम 4 कदम की दूरी पे, और वहाँ के प्रिंसिपल अभी तक CCTV मुहैया नहीं करवाया, ना कि वहाँ का प्रशासन अभी तक ले पाया। बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं तो कोई भी एक स्टूडेंट को चोट लगता है या मरता है तो स्कूल में मौन का वक्त रखा जाता है या एक दिन स्कूल को छुट्टी किया जाता है। स्कूल जिस दिन चल रहा था उस दिन बॉडी मिला है और प्रिंसिपल को खबर गया है कि आपका स्कूल का टीचर वहां मरा पड़ा है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल क्या, स्कूल का एक टीचर तक वहां देखने नहीं आता है, तो साफ इससे पता चलता है कि स्कूल की मिली भगत है इस कांड में। स्कूल का प्रिंसिपल की मिली भगत मानते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल का प्रिंसिपल की मिली भगत है। इसमें कोई नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि भरत मंडल जो
बरवट्टा थाना के मुंशी हैं, उनको शाम को 6 बजे कॉल किया गया था। अगर वो शाम को 6 बजे पहुंच जाते जहां से वो बाइक रात को 9 बजे लेते हैं और बाइक से 5 मिनट की दूरी पे उनका बॉडी पड़ा है, अगर उस दिन रात में अच्छा से जांच हो जाता तो शायद हमारा भाई जिंदा होता, तड़प रहा होता तो हॉस्पिटल में ले जाकर हम इलाज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने खाना पूर्ति किए, बाइक को वहीं किसी के बगल में लगा दिया, लैपटॉप को अपने घर ले गया। भरत मंडल पे किया गया था, एसएसपी साहब का दबाव था कि आप किसी मुंशी पे कैसे केस कर सकते हैं, आप किसी थानेदार पे कैसे केस कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको अज्ञात पे केस किया गया। जी बिल्कुल, उच्च अधिकारी से बात हुई है, सभी का अभी आश्वासन ही मिला है, कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिला। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।